여러분 안녕하십니까? Hello everyone. दोस्तों जैसा कि मैं आपको इतेवन ट्रेजेडी से रिलेटेड हर एक न्यूज से अपडेट कर रही हूँ, तो ऐसी ही एक न्यूज वायरल हो रही है जिसे जानकर आप न सिर्फ शॉक्ड हो जाएंगे बल्कि आप इस न्यूज को जानकर लो फील करेंगे। तो हम आपको इस न्यूज के बारे में बताएं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे केपॉप या के ड्रामा से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों आप सभी ये तो जानते हैं कि 29 अक्टूबर के नाइट को इतेवन के हेलोवीन इंसिडेंट में 156 से ज्यादा पीपल्स की सफोकेशन से जान चली गई थी, जिसका रीजन ये था कि एक ही प्लेस पर 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ होने लगी और 150 से ज्यादा लोगों को ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आ गया और उसी टाइम उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद से लगातार र्यूमर आ रहे थे कि इस भगदड़ का रीजन था कि किसी ने कहा था कि वहाँ के पॉप और के ड्रामा स्टार्स आ रहे हैं, जिन्हें देखने की कोशिश में सभी लोगों ने भागना शुरू कर दिया था। लेकिन रियलिटी ये थी कि वहाँ कोई भी के पॉप या के ड्रामा सेलिब्रिटी मौजूद ही नहीं था। इसके बाद भी 2 दिन से कोरियन एक्टर युआ इन पर इस बात के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि युआ इन हेलोवीन पार्टी अटेंड करने गए थे और युआ इन को ही देखने और उनसे मिलने की कोशिश में ये भगदड़ हो गई थी। और इस वायरल न्यूज के बाद से युआ इन को लगातार हेट मैसेज भेजे जा रहे थे और 156 लोगों की जान जाने का कारण भी उन्हीं को बताया जा रहा था, जिसके बाद कल फाइनली युआ इन की कंपनी ने इन सभी एलिगेशंस पर रेस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इंसिडेंट की नाइट युआ इन हेलोवीन पार्टी में नहीं थे क्योंकि उनकी इस पार्टी में जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी और न ही वो कोरिया में मौजूद थे क्योंकि 29 अक्टूबर से पहले ही युआ इन अदर कंट्री में थे जहाँ वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरियन एक्टर युआ इन को ही टारगेट किया जा रहा है, अब तक कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको टारगेट किया जा चुका है जबकि इस इंसिडेंट में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं था। और ये तो मैंने आपको 10 डेज पहले ही बता दिया था कि आयु और युआ इन को एक साथ पेरिस में देखा गया था, जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि आयु और युआ इन डेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि आयु और यूआईएन 29 अक्टूबर की नाइट को कोरिया में मौजूद ही नहीं थे, यानी ये एलिगेशन एकदम गलत है और इस तरह किसी पर भी एलिगेशंस लगाना भी गलत है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड सारंगयो।